जहर बहुत जल्दी मिटने वाला नहीं है। ये वोट बैंक जिसका है, इस पार्टी का है, उस पार्टी के लिए चिंता का लकीर है। तुरंत परिणाम आने के बाद उस पार्टी के विधायकों में भगदड़ सी स्थिति होगी। सभी लोग भाजपा के अंदर अपना संभावना तलाशने लगेंगे, तो निश्चित रूप से वो पार्टी जिनका आधार खिसक जाएगा, या तो पार्टी समाप्त हो जाएगा या उसके विधायक भाजपा में समा जाएगा, ऐसा संकेत दिखता है। 2020 का जो चुनाव होगा बिहार के अंदर, वो भी नया परिप्रेक्ष्य में होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कारण है कि जब हम गरीब गुरबा के जुबान पर मोदी मोदी डाल दिए हैं, तो उस दिन भी हमको मोदी मोदी करके वोट लेना पड़ेगा, और तभी हम बिहार के अंदर बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोदी लोगों के जेहन में बस चुका है, इसको बसाने में हमारे नेता, हम लोगों का भी हाथ है। हम लोग भी राष्ट्रीय मुद्दा को प्राथमिकता दिए, वंदे मातरम को प्राथमिकता दिए, पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी पर हमला को प्राथमिकता दिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय को प्राथमिकता दिए। बिहार के अंदर जो 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना या बिजली का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का था, जो 13 में लिए थे, वो बात कहने में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, और वो बात केंद्र सरकार की उपलब्धि में गिनी गई। निश्चित रूप से हम लोग साथ लड़ रहे हैं और उपलब्धि का बखान होना ही चाहिए था, लेकिन बिहार जितना तेजी से इन 12-13 वर्षों में विकसित हुआ है, वो प्रचार कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। इस कारण निश्चित रूप से जब वोट नहीं बचेगा तो पार्टियां क्या करेगी? पार्टी रहेगी, उम्मीदवार नहीं रहेगा। जब विधायक नहीं रहेंगे तो खोज खोज के विधायक उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। जो भी विधायक हैं वो बीजेपी के अंदर संभावना तलाश करेंगे। कुछ लोग तो मेरे संपर्क में भी हैं, अगर मेरा कोई सेटिंग हो तो आगे भविष्य में ध्यान रखिएगा, ऐसा भी आपको हम कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर लोग संभावना तलाश रहे हैं, और बताए भी हैं कि ऐसा कुछ संभव हुआ तो हम लोग अपना पार्टी से ज़्यादा अपना क्षेत्र और राजनीति को देखेंगे, और भाजपा के साथ जुड़ के, एनडीए के साथ जुड़ के आगे का राजनीति करना पसंद करेंगे। इसलिए आने वाला जो संकेत है उसका हम आगाह किए हैं, वो बहुत नया संदेश दे रहा है। हम अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मतदाता का जो मत का रुझान देखे, जो कभी भाजपा को मत दिया नहीं करता था, वैसे भी जातियाँ, गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोग, इसको पचफोड़ना हम लोग बोलते हैं, इस बार मोदी मय हो चुका था, मोदी जी के नाम पर वोट कर रहा था। न भाजपा जानता था, न अन्य पार्टी का नाम जानता था, केवल मोदी मोदी करके वोट कर रहा था। और गांव गरीब के बीच में जाने के बाद उदारी वाले चेहरा पर इशारा करता था, इनको वोट देना है। तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव जो संकेत दे रहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ बिहार का भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदलने वाला है। कारण क्या है कि जब व्यक्ति आधारित वोट होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो राष्ट्र गौरव गाथा है, जो हम लोग सब मिल के गाए कि विदेश में आतंकवाद को कुचलने का काम किया, या राष्ट्रीय स्वाभिमान विश्व में बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री, मतलब राष्ट्रीयता का बोध उन्होंने करवाया, जितना हम लोग इस बात का प्रचार किए, और जितना हम लोग आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर बिजली या अन्य जो विकासात्मक कार्य हुए हैं, उसका चर्चा लोगों तक गई है कि मोदी जी हर घर शौचालय पहुंचा दिए, तो मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी के प्रति लोगों का क्रेज है, बहुत जल्दी मिटने वाला नहीं है। ये वोट बैंक जिसका है, इस पार्टी का है, उस पार्टी के लिए